सभी को समझते हैं इस वीडियो के थ्रू। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज बूस्टर मोटर बर्न होगा, उससे क्या होगा, मिसाइल लॉन्च होगा। मिसाइल लॉन्च के 60 सेकंड बाद फर्स्ट स्टेज का सेपरेशन होगा, फर्स्ट स्टेज का सेपरेशन होगा और सेकंड स्टेज का मोटर बर्न होगा। उसके 60 सेकंड बाद सेकंड स्टेज का सेपरेशन होगा और थर्ड स्टेज का मोटर बर्न होगा। उसके साथ ही यहाँ पे देखो ये जो है ये स्रॉट पोर्शन है, ये कवरिंग के लिए होता है, ये सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे सेकंड स्टेज का सेपरेशन हुआ, थर्ड स्टेज का बर्न हुआ और फाइनली देखो थर्ड स्टेज का ये सेपरेशन हुआ और ये फाइनली बस अलग हो गया रॉकेट से। और इसमें देखो दो तरह का आपको वॉरंट दिखता होगा, एक ब्लैक कलर का और दूसरा रेड कलर का। तो ब्लैक कलर का जो है वो री एंट्री व्हीकल है और जो रेड कलर का दिख रहा है वो डिकॉय है। डिकॉय एक्चुअली कन्फ्यूजन के लिए होता है, ताकि सामने मिसाइल अगर इसको अटैक करना चाहेगा तो वो कन्फ्यूज हो जाए कि कौन सा री एंट्री व्हीकल है और कौन सा डिकॉय है। ये दोनों साथ साथ में चलता है एक्सो एटमोसफियर से लेकर एटमोसफियरिक तक। ये देखो एंट्री कर रहा है एक साथ सारे। फुल वीडियो चैनल पर अवेलेबल।